इसराइल और हमास में तनाव के बीच इसराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन, नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। जंग में इसराइल के सबसे ताकतवर मेरकावा टैंक को हमास ने निशाना बनाया। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर था तैनात, हमास ने जारी किया वीडियो। इसराइल और हमास के बीच तनावपूर्ण हालात, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। हमास के साथ युद्ध में इसराइल को अमेरिका का खुलकर समर्थन, अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नॉरफॉक पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना, पल पल की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर है। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों से जब्त हथियारों को दिखाया, 7 अक्टूबर के हमले में हमास के आतंकियों ने बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन, ड्रोन से आई तस्वीरों में दिखा गाजा शहर की तबाही का मंजर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमले में अब तक 2,750 फिलिस्तीनी मारे गए, 9,600 से ज्यादा लोग जख्मी। दोनों तरफ से हमलों में बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। इसराइल में अब तक 1,400 लोगों की मौत, दोनों तरफ से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 4,000 के पार। इसराइली हमलों में मारे गए कई फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के खान यूनिस में दफनाया गया। अंतिम संस्कार से पहले लोगों ने शहर की सड़कों पर शवों को घुमाया। इसराइल डिफेंस फोर्स लगातार हमास के हर एक ठिकाने को बना रहा है अपना निशाना। आईडीएफ ने लगभग 250 हमास के ठिकानों को तबाह किया। दक्षिणी गाजा बॉर्डर पर 5 घंटे रहेगा सीजफायर। इजिप्ट की ओर से मानवीय सहायता भेजी, 100 ट्रक के जरिए राहत सामग्री भेजी गई। दक्षिणी गाजा बॉर्डर पर 5 घंटे के सीजफायर पर बोला हमास, कहा हमें इसकी जानकारी नहीं। इजरायली फिलिस्तीन की जंग के बीच यूएन की अपील, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील। मिस्र में राफा बॉर्डर पर लोगों की भीड़, बॉर्डर पार करने की उम्मीद में पहुंचे लोग, सुरक्षा को देखते हुए राफा बॉर्डर जाने को कहा गया था। हमास आतंकियों की बर्बरता का एक और सबूत, आईटीएफ ने जारी किया आतंकियों का वीडियो। इसराइल के रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे आतंकी। हमास पर इसराइल का बड़ा एक्शन, हमास के 6 टॉप कमांडर ढेर। इसराइल डिफेंस फोर्स ने जंग में मारे गए हमास के 6 बड़े आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। हमास के कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराने का इजरायली सेना ने दावा किया, इसराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था बिलाल। गाजा में बिगड़ते हालात को देखते हुए यूएन के स्कूलों में लोग शरण लेने को है मजबूर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी में अब तक 4.25 लाख से ज्यादा विस्थापित। इसराइल से सुरक्षित लौटे थाई नागरिकों ने सुनाई खौफनाक कहानी। हमास के हमले के दौरान फंसे नागरिकों ने बताए दर्दनाक किस्से। 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या के बाद बोले बाइडेन, कहा कट्टरता के खिलाफ लड़ाई में सभी अमेरिकी आए एक साथ। सूत्रों के हवाले से खबर, इसराइल जाने को लेकर विचार कर सकते हैं बाइडेन। फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी, गाजा पर इसराइल के हमले को बताया इंटरनेशनल क्राइम। पीएम मोदी से इसराइल के हमले को रोकने की मांग। राजनांदगांव की रैली में शाह का कांग्रेस पर प्रहार, बघेल सरकार पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार की तोड़ेंगे कमर। मिजोरम में राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को उछाला, कहा बीजेपी ने मणिपुर के विचारों को नष्ट किया, प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने पर भी सवाल उठाए। मिजोरम में चुनावी सभा को संबोधित करने के पहले राहुल गांधी ने चांदमारी से राजभवन तक पदयात्रा की। राजस्थान के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर, उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव की रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, 25 नवंबर को है चुनाव। बीजेपी पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का प्रहार, कहा जनता को हो चुका है एहसास, बीजेपी की सरकार ने कैसे मध्यप्रदेश को बनाया चौपर। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, इस बार जिन्ना को बताया राष्ट्रवादी, कहा देश का बंटवारा नहीं चाहते थे जिन्ना, हिंदू महासभा के दबाव में हुआ बंटवारा। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा नीतीश बिहार के तुष्टिकरण की सियासत कर रहे हैं, ये हिंदुओं पर प्रहार है। पंजाब के मानसा में अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह के घर पहुंचे सीएम भगवंत मान, परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक, 1 अक्टूबर को हुए थे शहीद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कहा सदन में जनता की बात हो, सांसद किसी के मोहरा ना बने। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की फांसी की सजा रद्द, 14 अर्जियों पर सुनाया है फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। पीएम मोदी पर टिप्पणी का मामले को रद्द करने की मांग की थी। हैदराबाद के मियापुर पुलिस ने 27 किलो सोना और 16 किलोग्राम से ज्यादा चांदी जब्त की। मामले में तीन की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में पुलिस को चोरों की चुनौती। शहरी इलाके में सेंधमारी कर 5 लाख के जेवर, 25,000 कैश उड़ाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। तेलंगाना के वनस्थलीपुरम में दुकान में लगी आग, सामान जलकर हुआ राख। आग लगने की वजह साफ नहीं। सूरत के पांडेसरा इलाके में डाइंग मिल में आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका। 10 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रामेश्वरम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मछुआरे। श्रीलंका में हिरासत में लिए गए 27 मछुआरों की रिहाई की मांग। दिल्ली में यमुना नदी की बेहतरी के दावे और वादों की निकली हवा। कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पानी में फिर नजर आया सफेद रंग का छाप। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में निर्माणाधीन ब्रिज में आई दरार, तुरंत काम रुकवाकर लोगों को हटाया गया। लद्दाख में बर्फबारी, मटायन, द्रास, जोजिला समेत ऊंचे इलाकों में गिरी है बर्फ। भारी बारिश की चपेट में तमिलनाडु के कई इलाके। डिंडीगुल में लगातार भारी बारिश, परेशानी में है लोग।